एक और कर ले तो ब्लैक ब्लैक स्कॉर्पियो। ओके थैंक यू। सरदार से चुनाव प्रचार में राहुल कसवा पहली बार पहुंचे हैं तो उनसे बातचीत करेंगे। सरदार से चुनाव पहली बार पहुंचे हैं, कैसा माहौल देख रहे हैं? बहुत बढ़िया लग रहा है, अच्छा पॉजिटिव है, गांव में अच्छी भीड़ दिख रही है और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार राजस्थान में बनने वाली है लोगों का भी मन अच्छा लग रहा है। जैसे कि आपके पास स्थिति पहुंची होगी सदासर की, सदासर का बाजार रीणवा जी को 3 नंबर पे बता रहा है और आपके वशिष्ठ नेतृत्व के पास भी इसके समाचार होंगे। अशोक पिंजा के टिकट कटने के बाद एक भयंकर विरोध सदासर में हुआ है, क्या कुछ करना चाहेंगे? देखिए बाजारों से चुनाव नहीं लड़ा जा करते। बीजेपी का एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सिटी रही हमेशा, वो बात अलग, हमने इलेक्शन से बहुत यहाँ पे लूज करे MLAs के, पर आज की परिस्थितियाँ अलग हैं और इन परिस्थितियों में बीते हुए 1.5-2 साल का जो कार्यकाल देखा गया कांग्रेस विधायक का, उससे जनता नाखुश है और जनता ने अपना मन बनाया, परिवर्तन आएगा। रही बात टिकट्स की, देखिए डेमोक्रेसी है बीजेपी के अंदर, सभी लोग टिकट्स मांगते हैं, उनका हक होता है, उनके अपनी अपनी विचार होती है, हर पार्टी में होता है, ये चीज़ों से इलेक्शंस प्रभावित कभी नहीं हुआ करते, वो चलता रहता है, कोई खास बड़ी बात नहीं मानता। जैसा कि भाजपा के पास 1 लाख से ऊपर वोट हैं सदासर में, लेकिन कार्यकर्ताओं का कहना है कि जो शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने सदासर के वोटों को बांट कर रख दिया है। राजेंद्र राठौड़ और वसुंधरा का जो झगड़ा है वो सदासर के चुनाव पर असर कर रहा है। किसने का झगड़ा है आप ही बता रहे हो, मुझे पता नहीं। पूरे सदासर कार्यकर्ता में दो भाजपा कार्यकर्ता, दो आपके पास नहीं, किसने कहा है आपको भाजपा कार्यकर्ता बैठे हुए? देखिए जी चुनाव है, सब लड़ते हैं अपने हिसाब से, पार्टी का कैडर होता है वो कैडर चुनाव लड़ता है। आज आपको दिखा कितनी भीड़ है यहाँ पे, अभी आप सब बीजेपी के लोग तो हैं, रणवा जी तो आज हमारे पास पहली बार ही तो आए हैं, कहाँ से आ गए? तो भारतीय जनता पार्टी गांव गांव तक पहुंची हुई पार्टी है और मैं समझता हूं कि बीजेपी का अच्छा माहौल है। आप ये मीडिया क्रिएशंस हैं कि वो लड़ रहे हैं, उनकी आपस में ये है वो है, बटे हुए हैं। हमारे 65,000 वोट बाई इलेक्शन में आए हैं, हम उससे बढ़ के लेके आएंगे और अच्छी फाइट देंगे। इलेक्शन जनता के हाथ में होता है, हमें उम्मीद है कि हमारे जनता आशीर्वाद देगी। तो लगातार राहुल कसवा सदा से चुनाव प्रचार में दिखेंगे? नहीं, मैं 8 दिन के, मेरी 8 तहसीलें हैं, इलेक्शंस बहुत बड़े होते हैं और सब जगह चुनाव वर्ग कर, मैं सुजानगढ़ था, आज सदाशहर हूँ, उससे पहले मैं चूरू गया था, फिर राजगढ़ देखता हूँ, अब मैं परसों जाऊँगा नौहर, फिर भादरा, तो हर तहसील में मैं अपना टाइम दूंगा, मेरा यही कोशिश है एक ही 2 दिन मिल जाए सबको। तो पूरी भाजपा लगभग निर्दलीय के पक्ष में जा रही है, क्या क्या कुछ उन पर एक्शन लिया जा रहा है? मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं, कुछ जा रहे हैं तो देखिए जिन आप इन चीज़ों से राजनीति चलानी करती है, प्रजातंत्र है, सबका हक होता है, सबकी सोच होती है और भारतीय जनता पार्टी का कार्डर खड़ा है, वो मजबूती से काम करेगा। मैं भी सांसद हूँ, आया हूँ ना, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, आप इनको इतना बड़ी वैल्यू नहीं, वो अपना हक से लड़ेंगे। चुनाव तो सबके लिए है, जनता का चुनाव है, हर कोई लड़ना चाहेगा और वाकई फैसला जनता करती है। नहीं, मैं बात पूर्व विधायक अशोक जी पिंजा ही कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, अभी तक पार्टी को एक्शन नहीं ले रही है। पार्टी ले लेगी अपना एक्शन, तो पार्टी का काम, हमारा काम इस समय जनता से अगर हमारी वोट की अपील करना, हमें मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं, कमल का निशान हमारा सब कुछ है और हम उसी के ऊपर बात कर रहे हैं, हमें उम्मीद ये है कि पार्टी का जीत अच्छी होनी चाहिए, उसी की मेहनत कर रहे हैं, सब लोग लगे हुए हैं, सब कार्यकर्ता लगे हुए हैं, पूरे में घूम रहे हैं। अब क्या कुछ भाजपा के समीक्षा? मैं तो समझता हूँ बीजेपी की 8 सीटें आएंगी, मेरा तो पूरा मामला है। सुजानगढ़ में अच्छा माहौल है, सदाशिव में अच्छा माहौल है, बाकी जनता फैसला करे। राजस्थान का सबसे बड़ा चुनाव है, क्या कुछ कहना चाहेंगे चुनाव? देखिए सभी चुनाव बड़े हैं, सभी से एक ही विधायक जीत के जाएगा, एक ही विधायक का चुनाव है ये और हम तो ये कोशिश करते हैं बीजेपी अच्छी आनी चाहिए। एक सांसद के रूप में मुझे हमेशा आशीर्वाद मिला है और मैं समझता हूँ कि हमारे सभी विधायक भी चुनाव में अच्छी कंटेस्ट करेंगे, अच्छी फाइट देंगे और जीत निकाल के लाएंगे।